सरोकार। पूर्व सीएम मायावती का बसपा मुख्यालय पर मनाया गया जन्मदिन। प्रेस वार्ता कर मायावती ने बहुजन संघर्ष का आधारित पुस्तक का किया विमोचन। कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान ने वार्षिक महोत्सव अल्मुनी मीट का किया आयोजन। तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कार्यक्रम में की शिरकत। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने G20 इन्वेस्टर समिट की तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों के साथ अंबेडकर पार्क, गोमती नगर समेत कई पर्यटन स्थलों का किया निरीक्षण। बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण का स्थानीय नागरिकों को व्यापारियों ने किया विरोध। वृंदावन की संस्कृति नष्ट करने का लगाया आरोप। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने स्कूटी रैली का किया आयोजन। जनवासियों को यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अपना 67वां जन्मदिन पार्टी मुख्यालय पर मनाया। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए पुस्तक का विमोचन किया। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा ये किताब बहुजन संघर्ष की कहानी पर आधारित है। वहीं उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बीएसपी अब किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी से गठबंधन का गलत प्रचार करने में लगी है। वहीं 2023 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेंगी। साथ ही उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कहा निवेश के नाम पर प्रदेश के अंदर में नाटकबाजी चल रही है। एवं विभिन्न प्रकार के संयंत्रों तथा उनसे निपटने आदि का वास्तविक वर्णन विवरण तथा साफ सुथरा लेखा जोखा होता है उसका विमोचन करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बीएसपी के बारे में ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि बीएसपी धरना सीटों के धन बल पर व उनके इशारों से कोसों दूर रहकर यहाँ विशेषकर मेहनत कर बहुजन समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए समर्पित पार्टी है। सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान कमला नेहरू प्रौद्योगिक संस्थान के परिसर में वार्षिक महोत्सव और एल्मुनी मीट का आयोजन किया गया। इस समारोह के उपलक्ष्य में राज्य के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पुरातन छात्र छात्राओं का अभिवादन किया। साथ ही परिसर में नवनिर्मित और हर सुविधाओं से सुसज्जित भाभा छात्रावास का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्राविधिक मंत्री आशीष पटेल ने पुरातन छात्रों द्वारा गरीब बच्चों को शिक्षित करने वाली परंपरा कोशिश की भी तारीफ की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारा पहला प्रयास यही है कि चाहे सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट, शिक्षा गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। पिछड़ों का जहाँ तक विषय है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में पिछड़ों का कोई भी विषय कभी भी आया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया जी ने जब भी पिछड़ों से संबंधित, चाहे नीट में रिजर्वेशन का विषय हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में और सैनिक स्कूल में आरक्षण का, पिछड़ों को देने का विषय हो, तो हमारे नेता ने जब भी विषय दोनों लोगों के सामने रखा है। और मैं गर्व के साथ बताना चाह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़ों के हितों के लिए इतने सेंसिटिव हैं कि उन्होंने तत्काल उस पर कार्रवाई की है। और मैं समझ पा रहा हूँ उसको महीनों के अंदर, उस समस्याओं को महीने भी नहीं लगे, उस विषय को उठाया और उसको पिछड़ों के हितों में वो आदेश जारी कर दिया। लखनऊ में मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने G20 सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान वे अधिकारियों के साथ भीमराव अंबेडकर पार्क, गोमती नगर और काशीराम स्मारक स्थल पुरानी जेल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने स्ट्रक्चरल स्ट्रेनिंग के कराए जाने वाले कार्य को 15 मार्च तक पूरे किए जाने के निर्देश दिए।
बता दें कि आगामी माह में होने वाले इन्वेस्टर समिट और G20 सम्मेलन में शहर में आने वाले अति विशिष्ट अतिथियों के लिए स्मारकों और पार्कों का साज सज्जा और सौंदर्यकरण के साथ साथ उनके स्वागत के लिए समस्त कार्मिकों को पूर्ण तरीके से तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। खबर सहारनपुर से है, जहां हिंदू योद्धा परिवार संगठन कार्यकर्ताओं ने जन सहयोग की मदद से चुनेहट्टी क्षेत्र में गौशाला निर्माण का भूमि पूजन कराया। संगठन के संचालक चौधरी विश्व सिंह कम्बोज ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मीडिया से बातचीत में बताया कि गौ माता की रक्षा के लिए गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने पशुपालकों की आलोचना की और कहा कि गाय जैसे दूध देना बंद करती है, पशुपालक उन्हें आवारा छोड़ देते हैं। अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि गौ माता के लिए गौशाला का निर्माण हो रहा है, जिसके माध्यम से राष्ट्र का निर्माण में सहयोग है और गौ माता की रक्षा कर सकेंगे। इस दौरान निशांत गुलाटी, रवि गुजर, राहुल आर, विशु सिंह, रविशंकर, रोहित कटारिया जिला संयोजक विश्व हिंदू महासंघ, पंकज शर्मा गौरक्षा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष, रीति सैनी जिला मंत्री, राकेश कोरी महानगर प्रभारी विश्व हिंदू महासंघ समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हिंदू योद्धा परिवार ने जो है हिंदू योद्धा परिवार के तत्वावधान में हिंदू योद्धा गौ माता गौशाला व नंदीशाला का जो है भूमि पूजन किया गया है। मैं आप लोगों के मीडियम के माध्यम से जो हिंदू धर्म के हमारे लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा कि गाय हमारी माता है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। और जिस तरह से जब तक गाय दुधारू होती है तो पशु पालक जो होता है उसका पालन पोषण करता है, लेकिन जब वो दूध देना बंद कर देती है या फिर बीमार हो जाती है तो उसको ऐसी सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। कृपया करके ऐसा ना करें, क्योंकि एक जिस तरह से हमारे बच्चे होते हैं अगर वो बीमार हो जाए, हमारे बूढ़े माँ बाप हो जाए, जिस तरह से हम उनको नहीं छोड़ सकते घर से बाहर, इसी तरह गाय को भी मत छोड़ें। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ और साथ ही बताना चाहता हूँ कि इस तरह की कहीं भी कोई गाय या गोवंश या नंदी महाराज आपको मिले तो हमारी गौशाला में पहुँचाने का कार्य करें। हम उनको अपने पास रखेंगे, चारे की व्यवस्था करवाएंगे, उनकी रहने की व्यवस्था सब हमारे पास होगी। खबर आगरा से है, जहां थाना हरी पर्वत कमला नहर पुलिस ने शहर में चैन स्नैचिंग पर्स लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो शातिरों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी सिटी विकास कुमार, एसीपी मयंक तिवारी ने बताया कि शातिर लुटेरे 27 मोबाइल, एक अपाची बाइक बरामद की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई है। आरोपियों की पहचान आदित्य यादव आगरा निवासी और दूसरा जितेंद्र उर्फ जीतू भरतपुर राजस्थान निवासी के रूप में की गई है। आगरा पुलिस की थाना हरी पर्वत और थाना कमला नगर की टीम ने मिलकर थाने बेसिस की फोर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है। दोनों जगहों पर एक पर्स लूट की घटनाएं हुई थी, एक नवंबर में और एक में दिसंबर में। इस पर दोनों टीम काम कर रही थी और दोनों टीमों ने पता लगाते हुए असल लुटेरों तक पहुँचे और इसमें दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ठाकुरगंज थाने में शिकायतकर्ता दुर्गा प्रसाद द्विवेदी को पीटने के 2 साल पुराने मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज किया। इसमें बालागंज चौकी प्रभारी अनिल कुमार सिंह और दारोगा अशोक कुमार सिंह के अलावा 8 लोगों को घर में घुसकर मारपीट अभद्रता करने का आरोपी बनाया गया था। इंस्पेक्टर ठाकुरगंज विकास राय के मुताबिक बरौड़ा हुसैनबाड़ी निवासी दुर्गा प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि 8 जनवरी 2021 को घर के पास सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की थी। इनमें शिवरतन जायसवाल, विशाल ऋतिक जायसवाल और अन्य लोग थे। विरोध पर मारपीट की थी और पुलिस ने भी इनका साथ दिया था। खबर अमरोहा से है, जहां परिवहन विभाग के अधिकारियों ने गांधी मूर्ति से महिला पुलिसकर्मियों के माध्यम से स्कूटी रैली का आयोजन किया गया है। इस दौरान आम जनवासियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित एआरटीओ महेश शर्मा ने बताया कि यातायात सप्ताह के मद्देनजर स्कूटी रैली निकालकर लोगों को यातायात नियम के पालन की अपील की गई है। अमरोहा के एसपी कार्यालय में साइबर सेल, चरित्र प्रमाण पत्र और छोटी छोटी शिकायतों के प्रार्थना पत्र के लिए एक सिंगल विंडो रूम तैयार किया गया है, जिसका शुभारंभ मुरादाबाद रेंज के डीआईजी शलभ माथुर ने एसपी अमरोहा आदित्य के साथ फीता काटकर किया। डीआईजी शलभ माथुर ने कहा कि इस तरह की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो जाया करेगा और यहाँ पर एक ही स्थान पर छोटी छोटी शिकायतों को प्राप्त किया जा सकेगा, जिसमें आम जनमानस को भटकना नहीं पड़ेगा। हमारा सड़क सुरक्षा माह का आयोजन 5 जनवरी से 4 फरवरी तक किया जा रहा है, जिसमें कि प्रतिदिन के निर्धारित शासन कार्यक्रम शासन विभाग से प्राप्त हो रखे हैं हमको,
जिसमें आज 15 तारीख को रविवार के दिन महिला स्कूटी रैली निकालने के निर्देश प्राप्त हुए थे, तो उसमें हमने पुलिस विभाग से महिला कांस्टेबल स्कूटी के साथ में एकत्रित करके और उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करके ये एक स्कूटी रैली का आयोजन किया गया था, जिससे लोग सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूक हो सके और हमारे जनपद में दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां ग्राम सभा बसावनपुर के टोला करछुलिया खालसा में विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता शव मिला है। शव की सूचना पर गांव में हड़कंप मच गया। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने, मारपीट, दो दिनों से खाना नहीं खाया और रुपए मांगने का आरोप लगाया है। मृतका के पिता ने पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में अग्रिम कार्यवाही की जुट गई है। सीओ अखिलेश वर्मा ने बताया कि महिला का फंदे से लटकता शव मिला है। मृतका के परिजनों की तहरीर के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए हैं। लोगों ने मार डाला हमारी बच्ची को, दो दिन से खाना नहीं दिए, हम फोन लगा रहे थे, फोन नहीं उठा रहे थे लोग। इसका लड़का 20,000 रुपया मांग रहा था, तमाम कुछ देने के बाद भी बोला था 20,000 रुपया हर महीना हमको जो है चाहिए था अपने भाई से, अपने बाप से मंगा के दे हैं। और मैं जब आज फोन कर रहा हूँ, रात ही से लोग फोन बंद कर दिए थे हैं, रात में मार करके लटका दिए हैं। थाना उसका के अंतर्गत टोला करछुलिया ग्रांट खालसा एवं ग्राम सभा बसवनपुर में एक महिला मोमिना खातून वाइफ ऑफ अब्दुल हमीद, इनकी फंदे से लटकते हुए शव मिला है, जिनकी उम्र लगभग 28 वर्ष है और तहरीर प्राप्त हो चुकी है और आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। खबर कुशीनगर से है, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर स्वर्गीय प्रभुनाथ गुप्ता जी की पुण्य स्मृति पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कलावती देवी ने जरूरतमंदों और सहायों को कंबल वितरित किए, जिसके बाद जरूरतमंदों और सहायों में खुशी की लहर देखने को मिली। कार्यक्रम के आयोजक इंद्रजीत जायसवाल समेत पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल और सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर जो है ये कंबल का वितरण किया जा रहा है, मैं अपने जनपदवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ इस त्यौहार से। आपकी भाईचारा अभियान, शांति त्यौहार सामाजिक संवादता का बढ़ावा देता है। हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, इकट्ठा होकर हम लोग अपना मकर संक्रांति मना रहे हैं। फिरोजाबाद में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां कुछ लोगों ने महिला को जमीन पर उसके बाल पकड़कर घसीटा और उसके साथ लात घूसों के साथ मारपीट की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। पूरी घटना प्रत्येक खेत में समाधि निर्माण को लेकर हुई है। पीड़ित महिला ने मामले को लेकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि महिला के साथ जमीन विवाद को लेकर उसके जेठ ने अपने परिवार के साथ मिलकर मारपीट की है। फिलहाल पुलिस महिला की तहरीर के आधार पर आगे की कार्यवाही में जुटी है। खबर गाजियाबाद से है, जहां नूरपुर गांव में भैंसा बुग्गी दौड़ का आयोजन किया गया। आरोप है कि प्रशासन की अनुमति के बिना ही कार्यक्रम संचालित किया गया। इस दौरान गांव के नव युवक बिना हेलमेट तीन सवारी के साथ बाइक चलाते मिले। आयोजन से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाजियाबाद में धारा 144 लागू है, इसके बाद भी प्रशासन की अनुमति लिए बगैर कार्यक्रम का संचालन किया गया। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों अभी तक पूरे मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है। हमीरपुर जिले में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। यहां एक युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली है। यह जानकारी होते ही युवक के परिजनों में हड़कंप मच गया। सूचना पाते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। यह पूरा मामला शहर कोतवाली इलाके के रहुनिया धर्मशाला का है। यहाँ कई सालों से जालौन जनपद के खरका गाँव निवासी प्रदुमन नाम का एक युवक किराए के कमरे में रहकर एक नेटवर्क कंपनी में नौकरी करता था। प्रदुमन ने पहले तो अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया, उसके बाद अपनी जान दे दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तहकीकात शुरू कर दी है।
हरदोई में दलितों को गालियां देने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक क्षेत्रीय विधायक का नाम लेते हुए दलितों को गालियां दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद दलितों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। एक दलित समाज के युवक की सूचना पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। एसएसपी पूर्वी अनिल कुमार यादव ने बताया कि गाली गलौज करने वाले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। एक बबलू कुमार हैं, निवासी माकुम कुमा कस्बा संजीरा, जिन्होंने तहरीर दी है कि 14 तारीख को एक व्यक्ति जिसका नाम नागपाल है, रहने वाला वहाँ पे लूला मऊ का है, इसने लोगों को अनुसूचित जात के लोगों को गाली गलौज किया है। उसने कहा है कि विधायक जो वहाँ के हैं वो हमारी हैं और तुम लोग जो होश में आ जाओ। इसका वीडियो वायरल हुआ है, इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। खबर मथुरा से है, जहां बांके बिहारी मंदिर में हो रहा है कॉरिडोर निर्माण कार्यों का स्थानीय नागरिकों व्यापारियों ने विरोध किया है। उन्होंने एकजुट होकर बांके बिहारी मंदिर के आसपास के बाजारों को बंद करा दिया है। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि कॉरिडोर के नाम पर वृंदावन की संस्कृति और कुंज गलियों को नष्ट किया जा रहा है, जिसे वह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्थानीय लोगों ने कहा कि कॉरिडोर निर्माण स्थगित नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। गलत है, बहुत ही गलत है। सब ब्रजवासी बहुत ही दुखी हैं। उन जिन्होंने हम सब लोगों ने कितनी खुशी से उनको वोट दे के अपने यहाँ का वोट दिया कि चलो हमारे यहाँ पे कुछ अच्छा सोचेंगे, लेकिन ऐसी नहीं बताती कि हमारे घर ही टूट जाएंगे। अब उनको ये सोचना चाहिए। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है योगी मोदी जी से कि वो कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। कॉरिडोर का क्या मतलब है मुझे ये बताइए। कॉरिडोर अगर ये बन जाएगा तो ये वृंदावन क्या रहेगा? वृंदावन है कि बम्बई बोलोगे आप? इसको वृंदावन नहीं रहेगा। आप वृंदावन केवल कुंज गलियों की वजह से ही वृंदावन का प्रसिद्ध है जी। हम नहीं चाहते, हम बिहारी के चरणों में रहना चाहते हैं। बिहारी जी हमारे हैं और हमारे इसी ने हमारे दो सीआरपी में बच्चे थे, दोनों चले गए आप देश की सेवा करते करते। अब हम कहाँ जाएं आप बताओ इतने बुढ़ापे में। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।